Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning. Today we are learn about the types of network. Networking का जो series में पढ़ा रही थी उसका जो part 1 है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका link description box में है, आप उस link पर click करके उस video को देख सकते हैं. Networking series का जो part 2 है वो मैं आज discuss करूंगी. उस part के अंदर मैं types of network बताऊंगी कि types of network क्या क्या होते हैं. पहला part, पहला type है आपका PAN यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क. पर्सनल एरिया नेटवर्क इसको हम बोलते हैं PAN. पर्सनल पर्पस के लिए जो नेटवर्क यूज किए जाते हैं उसको हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं. जो नेटवर्क पर्सनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, अ नेटवर्क विच इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्सनल पर्पस इज नोन एज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क. इसकी जो रेंज होती है मैक्सिमम 10 मीटर तक की डिस्टेंस को ये कवर कर सकता है पर्सनल एरिया नेटवर्क. वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस, ब्लूटूथ जितने भी आपकी ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, लाइक आप ब्लूटूथ ईयरफोन वगैरह यूज करते हो वो सब इसके एग्जांपल है. इवन आप जो टीवी का रिमोट यूज कर रहे हो वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क का ही एग्जांपल है. सेकेंड टाइप की मैं बात करती हूँ लैंड. मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा लैंड. लैंड क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकल एरिया नेटवर्क. लैंड क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क. कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स को मैं हब या स्विच के द्वारा अगर कनेक्ट करूं, कुछ पर्सनल कंप्यूटर को मैं हब या स्विच के द्वारा कनेक्ट करूं तो मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म होता है. कंप्यूटर्स को डिवाइसेस को कनेक्ट क्यों किया जाता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए. इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. जब कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होती हैं, पर्सनल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए एक हब या स्विच के द्वारा, तो उस नेटवर्क को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क. क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. अब इसको जो डेवलप किया वो IEEE के द्वारा डेवलप किया गया, फॉर्म किया गया. लैन की जो रेंज होती है वो मेरी 10 Mbps से 1 Gbps तक की होती है. किसकी रेंज? लैन की रेंज. अब लैन में ही आपका लैन का ही एक टाइप है WLAN, यानी इसे बोलते हैं WLAN यानी वायरलेस लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल डिवाइसेस को वायरलेस कनेक्ट किया जाए उसी को हम बोलते हैं WLAN. WLAN यानी वायरलेस लैन. अगर पर्सनल नेटवर्क को पर्सनल डिवाइसेस को हम एक वायरलेस मीडियम के द्वारा कनेक्ट करें उसे हम बोलते हैं वायरलेस लैन. अब लैन के एग्जांपल क्या क्या हैं? आप अपने घर में नॉर्मली आप होम में ऑफिस में एक आप लोगों ने सुना होगा स्कूल वगैरह में ऑफिस वगैरह के पर्पज से बिजनेस पर्पज से आप लोग अपने जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह होते हैं उसमें आपने सुना होगा लैन कनेक्शन है. वो लैन क्या है? बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर लैब वगैरह में कनेक्शन होता है वो एक लैन कनेक्शन होता है. लैन की रेंज पैन के कंपेयर में ज्यादा होती है और ये लोकल पर्पज के लिए अपने पर्सनल पर्पज के अकॉर्डिंग पूरी बिल्डिंग पूरे होम को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है. अगली बात करती हूं मैं कैन. कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क. कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क. कैन को क्या बोलती हूं मैं? कैंपस एरिया नेटवर्क. जब मैं ये मेरा एक लैन कनेक्शन है, ये मेरा सपोज एक लैन कनेक्शन है और सिमिलरली एक मेरा लैन कनेक्शन है. ये लैन कनेक्शन क्या होता है? कुछ पर्सनल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो जाए तो एक लैन बनता है. अब ये मेरा एक लैन कनेक्शन है दैट इज लैन और ये भी मेरा एक लैन कनेक्शन है. जब ये दो लैन या दो से ज्यादा लैन आपस में कनेक्ट होते हैं एक कैंपस के अंदर उसको
कंज्यूमर कैंपस एरिया नेटवर्क, पूरे स्कूल की बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग्स, फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में 3 फ्लोर्स है, आपने एक जगह एक लाइन लगाया, दूसरी जगह एक लाइन कनेक्शन है, तीसरी जगह एक और लाइन कनेक्शन है, ये भी लाइन है। अब इन सबको एक कैंपस में कनेक्ट कौन करके रख रहा है, दैट इज अ कैन। एक स्कूल, एक बिल्डिंग, एक शॉपिंग मॉल, आपने देखा है जो मॉल वगैरह होते हैं, पूरा एक कैंपस कनेक्ट हो रहा है मॉल के अंदर, फ्री वाईफाई मिल रहा है आपको, रेलवे स्टेशन हुए आपके, बस स्टैंड हुए, वहां पे जो कनेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज अ कैंपस एरिया नेटवर्क के द्वारा। कुछ लैन आपस में मिलके एक शॉर्ट रेंज कवर करे, उसे हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। अगली बात करती हूं मैं मैन की। मैन यानी मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या होता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कैन और मैन में। कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, मैन यानी मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। जब सिमिलरली कैन की तरह ही है, बस इसमें एक डिफरेंस है, जब कुछ कैन या कुछ लैंड, आप लैंड का ही एग्जांपल लो बेस्ट है। फॉर एग्जांपल आपका ये एक लैंड है और एक लैंड ये है और ऐसे ही बहुत सारे लैंड हैं, लैंड कनेक्शन है, एक ये लैंड कनेक्शन है, इस तरीके से एक ये लैंड कनेक्शन है, बहुत सारे लैंड कनेक्शन है। अब ये लैंड कनेक्शन आपके एक पूरी सिटी को कवर करें, पूरे एक लार्ज एरिया को कवर करें, उसे बोलती हूँ मैं मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क की जो रेंज होती है एज कम्पेयर टू कैंपस एरिया नेटवर्क से ज्यादा होती है, किसकी, मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क की। किससे ज्यादा होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क से, मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क की रेंज ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक सिटी है, उसमें बहुत सारी स्ट्रीट है, रोड है, उन सब में लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क कनेक्ट है, ये सब आपस में जब मिलके पूरी एक सिटी को कवर कर ले, उसको ही मैं बोलती हूँ मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। ये कैंपस एरिया नेटवर्क से ज्यादा होता है जब हमें एक लार्ज रेंज में नेटवर्क को कनेक्ट करना हो, उसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क। पूरा एक एरिया कवर करता है, पूरी एक सिटी कवर करता है, पूरे एक लार्ज रेंज में नेटवर्क को कनेक्शन प्रोवाइड करता है। अब मेरे को पूरा वाइडली कवर करना है, यानी पूरा एक तरीके से मुझे पूरा वर्ल्ड कनेक्ट करना है, तो उस पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए मेरे पास क्या होगा ऑप्शन, वाइड एरिया नेटवर्क। जब बहुत सारे लैंड, कैन, मैन, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं, उसको मैं बोलती हूँ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब बहुत सारे, सपोज की लैंड है, ये मेरा मैन है, ये वापस मेरा कुछ लैंड कनेक्शन है, ये मेरी कुछ डिवाइसेस है, ये सर्वर्स, ये सब जब आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से वाइडली लार्ज रेंज में, तो उसको मैं बोलती हूँ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में ज्योग्राफिकली सब कुछ कनेक्ट करके रखता है। आप लोग बोल रहे हो इंडिया से, आप इंडिया में बैठे बैठे अमेरिका की न्यूज, चाइना की न्यूज, रशिया की न्यूज कैसे देख रहे हो, ड्यू टू द वाइड एरिया नेटवर्क। आप अपने घर में बैठे बैठे कहीं भी किसी भी जगह को कवर कर सकते हो, देख सकते हो लाइव न्यूज, अभी घर बैठे बैठे आप लाइव पता कर सकते हो कि किस देश में क्या चल रहा है, किसके थ्रू, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। सो वाइड एरिया नेटवर्क ही है जो हम सबको आपस में कनेक्ट करा हुआ है। वाइड एरिया नेटवर्क का बेस्ट एग्जांपल है आपका इंटरनेट, और मैंने इंटरनेट क्या बनाया था, जो नेटवर्क से नेटवर्क को कनेक्ट करे उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ अ नेटवर्क, और नेटवर्क क्या होता है, व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्ट टू ईच अदर एंड शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज, इट इज नोन एज अ नेटवर्क। आई होप सो आपको अगर ये समझ में आए, अगर आपको समझ में आए तो लाइक करना तो बनता है। सो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।